हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का जो वीडियो है, फुल सपोर्ट टू शिवानी कुमारी ऑफिशियल के लिए है, जो बिग बॉस में गई हुई है। आप सब लोगों को मालूम है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक बंदा शिवानी को जानता है कि शिवानी कैसी है। शिवानी बिल्कुल एक टाउन लेवल से ऊपर की तरफ गई हुई है। एक गाँव की लड़की आज अपना नाम कमा रही है, तो लोगों को हो रही है जलन, है ना? एम आई राइट कि रॉन्ग? प्लीज कमेंट करके बताना कि जो उनके घर में, बिग बॉस के घर में जो और भी मेंबर्स है, वो उससे जेलसी रखते हैं, क्योंकि तो उनको ये लगता है कि शिवानी कुमारी को चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं। जो बाहर उसकी ऑडियंस है, वो शिवानी कुमारी को दिल से चाहती है और शिवानी कुमारी को फुल सपोर्ट कर रही है। तो इसी कारण कहीं ना कहीं उन लोगों को उससे एक क्या बोलना चाहिए, डर हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो शिवानी कुमारी आगे निकल जाए और हम पीछे रह जाए। इसलिए बार बार उसको नॉमिनेट करते हैं, बार बार उसको ऐसा बोलते हैं कि कहीं ना कहीं जो उसका उत्साह है वो सब डाउन हो जाए। पौलोमी को ले लीजिए। पौलोमी ने जो नाटक रचा, जो सारी चीजें करी कि जब लड़ाई हुई, जब एक गेम खेला जा रहा था, तो पौलोमी हील्स पहने हुई थी, तो ये उन हील्स के लिए मना भी किया गया कि आप कैसे दौड़ लगाएंगी। तो वो बोली कि मैं कंफर्टेबल हूँ। जब आपको मालूम है कि दो लोग एक साथ जा रहे हैं, तो आप गिर सकती थी, और आप गिरी तो इल्जाम पूरा किस पे आ गया? शिवानी पर, है ना? और फिर आप भद्दी भद्दी गालियां दे रही हैं और बोल रही हैं कि सभ्यता की बात कर रही हैं, सिविलाइजेशन की बात कर रही हैं, तो सिविलाइजेशन किस में नहीं है? ये चीज आप ध्यान रखिए कि आप खुद देखिए, आप पढ़ी लिखी मानती है ना अपने आप को, आप बोलते हो कि आप पढ़ी लिखी हो। चलिए शिवानी, एक सेकेंड, शिवानी को आप बोलते हो कि अनएजुकेटेड है, गांव से आई है, गंवार है, स्लैंग है, और राम जाने कैसे कैसे शब्दों से उसको बोला जाता है। तो आप तो पढ़ी लिखी हो मैडम, है ना? आप अपने आप को सिविलाइज बोलती हो, तो आप ये गंदी गंदी गाली अपने मुंह से कैसे निकाल रही थी? आप लोगों ने देखा होगा ना बिग बॉस, आप सब लोग देखते हो, तो पौलोमी कितनी गंदी गंदी गालियां दे रही थी, है ना? चलिए ठीक है, शिवानी का माना, शिवानी को आप लोग सब गमार बोलते हो, उसका मान लिया, लेकिन आप फिर कहाँ से आप में ये सभ्यता झलक रही है? इसलिए सभ्यता की बात तो आप मैडम करो ही मती, कि आप में कितनी सभ्यता है, वो आपके सारी चीजें ऊपर से नीचे तक आपको दिखाती है कि आप कितनी सभ्यता वाली है, है ना? और शिवानी को देख लीजिए, उसमें सभ्यता अलग दिखती है और आप में सभ्यता अलग दिखती है। इसलिए जितनी सभ्यता शिवानी जानती उतनी तो उसका तो आप ए भी नहीं जानती हो। ए जेट तक तो बहुत दूर की बात है, ए भी नहीं जानती हो। एम आई राइट दोस्तों? तो कमेंट करके जरूर बताना और फुल सपोर्ट करिए शिवानी को, कि शिवानी के खिलाफ हो रहा है षड्यंत्र और उसके खिलाफ रचा जा रहा है एक कुछ ना कुछ ऐसा बिग बॉस में, कि शिवानी को धक्का देके पुश कर करके जल्दी से इसको बाहर निकाल दिया जाए, ताकि गेम में कोई और आगे बढ़ सके। चलिए ठीक है, अरमान मलिक एक खुद यूट्यूबर है और भी लपकेस हैं, बहुत से यूट्यूबर हैं, तो यूट्यूबर को यूट्यूबर के साथ थोड़ा सा एक मतलब प्रेम भाव जैसा रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब गेम खेल रहा है। तो सिर्फ शिवानी के लिए क्यों बोला जा रहा है कि वो गेम खेल रही है? वो 22 साल की लड़की आप सबसे छोटी है, तो सिर्फ उसको ही क्यों दोष दिया जा रहा है? गेम तो आप सब लोग खेल रहे हो ना, यहाँ गेम खेलने के लिए आए, तो फिर उसके ही लिए क्यों दोष दिया जा रहा है? ये चीज मेरे समझ से परे है। क्या मैं सही हूँ या गलत है? प्लीज कमेंट करके जरूर बता। अरमान मलिक सभी के कान भर रहे हैं और बोल रहे हैं कि शिवानी करती है नाटक। हमने सरासर देखा है कि शिवानी कुमारी नाटक कर रही है, ये अरमान मलिक के शब्द थे। और अरमान मलिक खुद क्या कर रहे हैं, पहले आप अपने आप को देखिए, फिर शिवानी मलिक के बारे शिवानी के बारे में बोलिएगा। सॉरी मलिक नहीं, ये मेरे मुंह से निकल गया, इसकी मैं दिल से सॉरी बोल रही हूँ। और यहाँ पर जो कुछ गेम खेला जा रहा है, ये टोटल समझ में आता है कि हर बार शिवानी को ही क्यों टारगेट किया जाता है। सारे सदस्य शिवानी को टारगेट कर रहे हैं, है ना? कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो शिवानी को टारगेट नहीं कर रहा हो। कभी कभी दीपक जी का लगता है कि वो उसके फेवर में समझाते भी हैं शिवानी को, मतलब कई बार बैठ के ऐसा लगा कि हाँ शिवानी छोटी है, शायद गेम को नहीं समझ पा रही होगी कि गेम क्या। आप लोग तो सब वेल प्रिपेयर्ड होके आए हो यहाँ पर, है ना? शायद मैं सही बोल रही हूँ, लेकिन शिवानी को जितना उसके मैनेजर ने समझाया होगा, उतना ही बिचारी ने कभी ऐसा कुछ कभी ऐसी जगह गई भी नहीं है, लेकिन सिर्फ शिवानी को ही
बार बार यहाँ पर बोला जा रहा है और किसी को नहीं बोला जा रहा है ना। रही बेहोश होने की बात की, बेहोश होने पर भी उसको सपने बोला कि वो नाटक कर रही थी, लेकिन एक्चुअली शिवानी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है। शिवानी के पुराने वीडियो, शिवानी के वीडियो से शुरू से जुड़े हुए हैं, वो शिवानी की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से जानते हैं कि शिवानी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है। डॉक्टर ऑलरेडी बोल चुका है कि वो कभी कभी जब आपको तेज दर्द होगा तो आपको बेहोशी जैसी महसूस होगी, है ना। और वो हो जाता है, उसके पुराने वीडियोस में भी देखिए कि यहाँ उसने कोई ड्रामा नहीं किया था कि जब वो रोते रोते हाइपर हो जाती है एकदम से, तो उसको बेहोशी सी महसूस होने लगती है। तो इस चीज को भी यहाँ पर नाटक बताया गया है। यार किसी का तुम दर्द नहीं समझ सकते तो उसकी खिल्ली तो मत उड़ाओ कम से कम यहाँ बैठ के कि अरे वो तो किस किस को लग रहा था। कल का मैंने एपिसोड देखा, सब लोग यही बोल रहे थे किस किस को लग रहा था कि शिवानी ने नाटक किया, शिवानी ने नाटक किया। यार तुम लोग भी तो सब यहाँ गेम ही खेल रहे हो ना, अलग ही दिख रहा है। किसी में सीरियसनेस दिख रही है कि जो नेचुरल तरीके से गेम खेल रहा हो, सिवाय मुझे शिवानी के नहीं लग रहा, क्योंकि शिवानी ने कभी ऐसा कुछ अपने गांव में नहीं देखा, कभी वो गई नहीं ऐसी है कि बस जो देखा होगा शायद बिग बॉस में ही देखा होगा कि ऐसा कुछ होता है। पुराने एपिसोड, पुराने सीजन जो निकल चुके हैं सेशन, उनमें देखा होगा। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि उस लड़की को कोई ने ट्रेंड करके भेजा होगा यहाँ पे। खैर मैं कहाँ तक सही हूँ दोस्तों, प्लीज बताना। बस इतना आप लोगों से प्रार्थना करूंगी कि उस लड़की के लिए आप लोग सपोर्ट करिए, और दिल से सपोर्ट करिए, क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि एक लड़की जो छोटे से गांव से आई है अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए, तो उसका उत्साह कहीं से कम ना हो जाए, क्योंकि उसको देख के यदि वो लड़की आज आगे नहीं बढ़ पाई तो उसको देख के और जो बाकी है जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, लड़के हो चाहे लड़कियां जो छोटी जगह से बिलोंग करते हैं, उनका उत्साह कम हो जाएगा और उन्हें लगेगा कि अरे इन लोगों के सामने जो बड़े बड़े लोग हैं इनके सामने हमारी कोई अहमियत नहीं है। तो सिर्फ इसी कारण मैं विनती कर रही हूँ कि प्लीज 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 आप लोग सब शिवानी कुमारी को ज्यादा से ज्यादा वोट करिए, ज्यादा से ज्यादा उसको सपोर्ट करिए। बस आज के लिए इतना, फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। जय श्री राम दोस्तों।